सरकार से बीच चौबे के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। झगड़े में वीरेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोटे आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल जबलपुर से रेफर कर दिया गया है। वहीं दिनेश चौबे को भी चोटे आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्षद के बेटे का यह कहना है कि दिनेश टैंकर से बेकार पानी बहा रहे थे, जिसे रोकने पर उन्होंने उनके पिता के सिर पर पत्थर मारकर हमला कर दिया। वहीं दिनेश का यह कहना है कि पार्षद पति अपने घर के सामने पानी का टैंकर खड़ा कर अपने घर में पानी खाली करा रहे थे। इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियान शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमोह में एक खूनी संघर्ष हुआ पत्रकार और पार्षद पति के बीच में। पानी के टैंकर को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, खूनी संघर्ष का रूप लिया। इस विवाद में अब दोनों ही घायल जिला अस्पताल में भर्ती। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घायलों की तस्वीरें हैं। पत्रकार और पार्षद पति के बीच का ये विवाद दमोह में पानी के टैंकर को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और उनका खूनी संघर्ष पर जाकर ये विवाद घायल अस्पताल में भर्ती। दमोह से स्वस्थ हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ हैं। अटल बताइए, क्या खबर है और इस वक्त क्या हालत है घायलों की? अच्छा जी, आपको बता दूं कि दमोह में इस काफी जोर से जल संकट चल रहा है। 5 दिनों के अंतराल से दमोह में नलों से जल सप्लाई की जाती है। जिन वार्डो में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, उन वार्डो में नगर पालिका द्वारा टैंकर भेजे जाते हैं। लेकिन इन टैंकरों के भेजे जाने के दौरान कहीं ना कहीं 5-7 लोग अपने पावर का उपयोग करके अपनी मनमानी दिखाते हैं। आज की जो घटना का हुआ है मानेजबाग क्रमांक 5 में, जो की रेलवे लोको इलाके के क्षेत्र है जहाँ पर पाइप लाइन नहीं है, इस कारण से यहाँ प्रतिदिन या एक दिन के अंतर से टैंकर भेजे जाते हैं। सुबह जब टैंकर यहाँ पर खाली कराया जा रहा था, लोग मोहल्ले के पानी भर रहे थे। इसी दौरान पार्षद के घर के बाहर जब पार्षद के घर में पानी भरा जा रहा था, इस दौरान पत्रकार दिनेश चौबे ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए इस बात का अनुरोध किया कि पार्षद अपने घर में पानी क्यों पहले भर रहे हैं, पहले बाहर के लोगों को पानी भरना चाहिए। और इसी बात को लेकर पार्षद पति ने उनके ऊपर लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद बचाव में पत्रकार दिनेश चौबे ने पत्थर उठा के पार्षद पति के सिर पे मार दिया। अभी हालात यह है कि पार्षद पति की हालत गंभीर बनी हुई है, उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं पत्रकार दिनेश चौबे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, सिर में भी गोली चुभे आई। जहां पार्षद पति और पत्रकार दिनेश चौबे आपस में भिड़ गए और इस हमले में दोनों ही लोग घायल हुए हैं। तो जमकर हुआ पानी को लेकर विवाद, जानकारी के लिए बात करेंगे अटल राजेंद्र जैन, बुल रहे दमोह से हमारे साथ हमारे संवाददाता। अटल, पानी को लेकर ये खूनी संघर्ष हो गया? आपको बता दें कि दमोह में जल संकट के हालात काफी खराब है। पानी की समस्या के चलते लोगों को 5 दिन में एक दिन नगर पालिका द्वारा जल प्रदान किया जा रहा है। नगर को 39 वार्डों में 30 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे नलों से पानी नहीं पहुँच रहा है। इनमें से एक वार्ड मानेजबाग नंबर 5 है, जो की रेलवे लोको एरिया में पड़ता है। आज जब यहाँ पर पानी का टैंकर पहुंचा तो इस पानी के टैंकर से पानी जो था वो पार्षद के घर में भरा जा रहा था। इसी चीज को लेकर, इस बात को लेकर पत्रकार दिनेश चौबे द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई, उसके बाद पत्रकार और पार्षद पति के बीच में जो विवाद हुआ, झगड़े का नतीजा सामने जी। इस मामले में पुलिस ने किसके खिलाफ मामला दर्ज किया है? हम आपको बता दें कि जो बीजेपी पार्षद के पति है, से पहले भाजपा के साथ इनके घायल होने की खबर लगने पर मंत्री जयंत मलैया भी इनको लेकर जिला अस्पताल में आए थे। इस कारण से निश्चित रूप से पुलिस का झुकाव पार्षद की तरफ है, लेकिन सामने पत्रकार भी घायल हुआ है, उसके भी हाथ को फ्रैक्चर हुआ है। तो अभी पुलिस ने दोनों तरफ से किसी पक्ष का मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन पुलिस जांच जारी है जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है अटल कि पानी खून का संघर्ष की वजह बन रहा है, और वास्तव में बात इस मामले के लिए देखी जाए, दमोह में अगर देखा जाए जल संकट व्याप्त है, और अगर टैंकर से जल आपूर्ति होती भी है तो वास्तव में उन आम लोगों को नहीं मिल पाता है जो वास्तव में प्यासे हैं या जिन्हें जरूरत है पानी की। आपको बता दें कि नगर के अधिकांश वार्डों में यही हाल है। पार्षद जिस इलाजू भैंस की तर्ज पर काम कर रहे हैं, और सब पहले अपने घर के पानी को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, उसके बाद में मोहल्ले के दूसरे लोगों को पानी भरने दिया जाता है। आज के झगड़ा है, इसी का नतीजा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अटल राजेंद्र जैन आपका स्मार्टफोन जानकारी।